तो यह सब गाइस, मैं किरण पंत और मैं वापस आ चुका हूँ एक नए साथ। तो आज बहुत टाइम बाद मैं फिर से खेलने जा रहा हूँ द हेनरी स्टिकमैन कलेक्शन का एपिसोड 5 कंप्लीटिंग द मिशन। तो जिन लोगों को नहीं पता होगा कि मैंने ये गेम ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, मतलब इसकी जो मेन स्टोरी लाइन थी। अब टेक्निकली इस गेम की कोई मेन स्टोरी लाइन है नहीं, क्योंकि इस गेम में है बहुत सारी एंडिंग्स और चॉइसेस। मतलब चॉइसेस वाले गेम तो आपने देखे होंगे, तो बिल्कुल वैसा ही है, बस एक कार्टून और थोड़ा स्टिकमैन स्टाइल में है। और इसमें बहुत सारे फेल्स हैं, चॉइसेस हैं, और ये बिल्कुल चॉइसेस और कटसीन वाला गेम है। जिन्होंने मेरी सीरीज देखी है वो समझ गए होंगे कौन सा गेम है। और ये बहुत फेमस था 2020 में या 2021 में, भूल गया मैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे खेले हुए। और आज मैं इसको फिर से खेलने आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने सीरीज चालू की थी जिसमें मैं इसकी बची हुई एंडिंग्स और चॉइसेस कंप्लीट करा था। अब मैंने ये बाकी एपिसोड्स की तो कंप्लीट कर ली थी, और मैंने इन एपिसोड्स के सारे फेल भी कर लिए। फेल मतलब जो हम गलत चॉइसेस लेते हैं, तो ये सब तो मैंने कर ली थी। अब हमारा लास्ट जो एपिसोड होता है कंप्लीटिंग द मिशन, तो ये बच रहा है अभी भी, तो इसको इसकी भी एंडिंग्स बच रही हैं। और ये इसलिए यूनिक है क्योंकि इसकी एंडिंग हमारे पिछले दो एपिसोड्स की एंडिंग को मिला के बनती है। फ्लिंग द कॉम्प्लेक्स इन्फिल्ट्रेटिंग द एयरशिप को मिला के बनती है। तो मैंने प्योर ब्लडेड थीफ और कॉन्विक्ट एलाइज तो कर लिया, और नहीं ये तो नहीं किया, मैं मेरे हिसाब से दो कर लिए हैं। हाँ ये भी कर लिया मैंने, गवर्नमेंट सपोर्टेड प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर और कन्विक्ट एलाइज। मुझे कन्विक्ट एलाइज के साथ करना बहुत पसंद है, आप समझ गए होंगे क्यों। और हाँ तो अभी तक मैंने दो ही करे हैं सिर्फ, ये घोस्ट इनमेट और कॉन्विक्ट एलाइज, सॉरी कॉन्विक्ट एलाइज ये गवर्नमेंट सपोर्टेड के साथ, और इसमें इसके साथ। और अगर हम ये लें द बिट्रेड, नहीं द बिट्रेड भी नहीं किया हमने, और ये भी नहीं किया, और इसमें हाँ तो आज मैं शायद हम द बिट्रेड करते हैं, थोड़ा धोखा खाते हैं, और इसके साथ हम करेंगे रैपिडली प्रमोटेड एग्जीक्यूटिव, लेट्स गो। हाँ हमने बिट्रे कर दिया था गवर्नमेंट को, और हम उनके साथ मिल गए थे टोपैट्स के साथ, मुझे थोड़ी बहुत स्टोरी याद है। और हाँ हमने बिट्रे नहीं किया था, उसके बाद हमको उसने गिरा दिया था, मुच्छड़ ने, वो हमको अपना हाथ दे रहा था, उसने छोड़ दिया था, ये मैं भूल गया था सीन। फिर उन्होंने फ्लैशबैक दे दिया, मुझे याद आ गया, सिंपल स्टोरी इसकी, इंगेजिंग है। ये कौन है अब? थैंक यू नर्स, डॉक्टर जो भी हो, ओ शिप मैन, ओबे तो स्टिक मैन से क्या बन गया मेटल मैन। कैसा हो गया, आधा ग्रे आधा ब्लैक? उरे भैया क्या बन गया ये टर्मिनेटर, गुड लक गया है तू, पेलने टोपैट्स को, ये आ गया रोबो, ले हेडशॉट, आया मुच्छड़। अरे यार ये राइट हैंड मैन आ गया, बहुत तगड़ा है। अरे हाँ हमने इसको हराया था ना पिछली बार, ओ ओ टाइम फॉर लिल पे बैक। भाई यार मैंने गेम खेला था, इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस और मज़ेदार चीज़ें। तो चलो ब्लेड फॉर्म, गन फॉर्म, फॉर्म में क्या होता है, स्पिरिट फॉर्म, ई साइलेंट होगा, तीनों के सेम ही आइकन है। तो गन फॉर्म लेते हैं पहले, ओ चेंज हो गया, अच्छा इसका हाथ है ना, चेंज हो सकता है, ये रोबोट है अब। ओहो ओ भैया, अरे 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 खून मारेगा क्या उसको, अरे यार ये भी लाइन सुनी हुई लग रही, ले भाई मिशन फेल, नॉट बैड किड, यू मेड मी ऑलमोस्ट 10% ऑफ माई पावर। यार किसी ना किसी चीज़ का रेफरेंस देते हैं, मूवी गेम या किसी चीज़ का शो का, अभी तो मुझे समझ नहीं आया, पर था किसी का रेफरेंस भी। अब हम लेते हैं ब्लेड फॉर्म, ओरे इसका ब्लेड है क्या है, इसका ब्लेड अजीब सा है थोड़ा, ओ भाई है तो बैड है मुझे, ओ ओ और ये भी है रोबोट, सब रोबोट, रोबोट वर्सेस रोबोट। और हमको फेंक दिया बाहर, इसके पास तो जेट पैक वाले शूज, ओ भाई
गजब सिनेमैटिक कट सीन। ओह और है प्लॉट ट्विस्ट। आंख में चुभो दिए। ओ माय गॉड, एब्जॉर्ब बेसबॉल बैट वाई टाइप मूव, ये क्या है वो बिग ब्लास्ट, इससे क्या होगा। एक प्लॉट ट्विस्ट आ गया, हमने उसकी आंख में मार दिया। छोटा वर्सेस वो काट दिया। ओ नाइस, मेरे को लगा पूरी एयरशिप ही क्रैश हो जाएगी, हो ही दिए। नाइस, राइट हैंड मैन को हरा के हमने पूरा खो दी दिया। ले अब तेरे से बदला लेंगे हम, पता क्या इसको गिरा दो। पे बैक टाइम, बाय बाय। आई मेमोरीज थोड़ी हट यार, मेरे को लग ही रहा था। वाओ हिज हेड हैज अंडरगोन सम अपग्रेड्स। यार ये चीटिंग है यार, बदले लेना चाहता था मैं पहले का। चलो रिट्राई करते हैं। स्टेपल क्या होता है? ओए अच्छा, चिपका दिया इसने, स्टेपल कर दिया, ठीक है। बाय बाय, हमारे पास भी पैराशूट। ओ वो गिरे क्रैश। मेरे को लगता है मिशन फेल नहीं होगा अभी, हम नए उसमें आ जाएंगे सीन में। यस पता था मुझे, सब क्रैश हो गया, मुच्छर गिर गया, खांस रहा। मुझे कैसे पता। लेट्स गो, मुच्छर भैया गए। व्हाट ओए, ये कैसी एंडिंग थी। अब हमने प्लेन क्रैश कर दिया और हम भी क्रैश हो गए। ओ हम टोपैड्स भी ले गए और वो टेररिस्ट भी ले गए, दोनों ले गए हम एक साथ, गजब। अब क्या करेगा, हेनरी भी गया लगता है। रिवेंज्ड, लेट्स गो। दो एंडिंग्स आ गई, रिवेंज भी आ गई। अच्छा हाँ, मिशन पास तो रिवेंज्ड एंडिंग आ गई ना। हाँ तो गाइस, मेरे हिसाब से आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं वैसे सोचा था दो एंडिंग्स कर लूँ, लेकिन एक एंडिंग काफ़ी तगड़ी एंडिंग थी। मैं चाहता था उस मुच्छर से बदला लें, मतलब मैंने सोच के तो चालू नहीं की थी एंडिंग, लेकिन अच्छा चालू हो गया, हमने मुच्छर से अपना बदला ले लिया और टेररिस्ट के साथ टोपैट्स को भी हम ले मरे और खुद बच गए। इसके आगे तो लगता है हेनरी ऊपर चला गया। तो देखते हैं आगे की एंडिंग्स में क्या होने वाला है। इस एंडिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और अगर आप और एंडिंग्स देखना चाहते हैं और सीरीज़ में छोड़ू नहीं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ उस वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।